हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, क्या चलेगा उनके अंदर, क्या एक्शन ले सकते हैं और अभी वो क्या सोच रहे हैं करेंटली, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिचुएशन से मैच करेगी ही। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे। पहले देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है। तीन कार्ड्स निकालते हैं उनके करंट फीलिंग्स के लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डोर टू रोमांस, स्ट्रैटेजी, जर्नी। ओके, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे? एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे, एनवी, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ तो कुछ नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, तो मैं पहले नंबर्स बता देती हूँ। हो सकता है ये आपके लिए या उनके लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर्स हो। नंबर 33 है, नंबर 6, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 24, तो अगेन नंबर 6, नंबर 27, तो 9, 20 तो 2 और 3, 30 तो 3। ओके, तो ये सारे नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो अभी की फीलिंग्स अगर देखी जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ प्लान्स चल रहे हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं। एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, क्या क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, उसका प्लान कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको मैसेज करने के बारे में या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है किसी किसी ने यहाँ पे मैसेजेस लिख के मिठा दिए हो या मैसेज लिख रखा है लेकिन अभी तक आपको सेंड नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, एंड वो सोच रहे हैं कि क्या कैसे किया जाए। ओके, किसी किसी के लिए ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर मिलने आना चाहते हैं आपसे, मे बी वो आपसे इस बारे में बात भी कर सकते हैं कि मुझे मिलना है, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, या फिर ये पर्सन बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें मिलने आ जाता हूँ जहाँ पे भी तुम हो, तो ऐसी कुछ बातें भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर ये पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे लगता है अभी आपके पार्टनर की इच्छा है कि आप दोनों के बीच की दूरियाँ कम करना और एक नज़दीकियाँ बढ़ाना, और उसी के बारे में ये पर्सन लगातार सोचे जा रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है ये जो टाइम पीरियड है अभी का आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक जा सकता है। ये पर्सन आपको इवन रोमांटिक डेट पे भी ले जा सकते हैं, आपको कोई लेटर लिख सकते हैं बहुत ही रोमांटिक सा, या बहुत ही रोमांटिक सा एक मैसेज आपको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस वक्त बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रखे हैं आपके पर्सन। ठीक है, किसी किसी के लिए अगर आप बात करते हो इस पर्सन से, हो सकता है आप दोनों किसी रोमांटिक डेट पे जाओ, या ये पर्सन अपनी बहुत डीप रोमांटिक फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे। ठीक है, क्योंकि रिश्ता अभी ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे आपके पर्सन प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इमोशनल है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, मैं कार्ड्स को थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। जैसे एक होता है ना कि अपने दिल की बात नहीं सुन रहे थे अभी तक, लेकिन अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं। सो प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे इनके अंदर, बहुत रोमांटिक एनर्जी में है। ओके, तो यहाँ पे है टेम्परेंस, तो एक बैलेंस आ गया है उनके अंदर। हो सकता है उनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं था, ब्लॉक था,
जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक बैलेंस आ गया है उनके अंदर। पहले अगर ये सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ करते थे, सेल्फिश हुआ करते थे, तो अब काफ़ी इमोशनली सोचते हैं। ओके, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। लव लाइफ के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है फिलहाल। ओके, एट ऑफ कप्स। तो क्या हुआ है पता है, इस पर्सन ने पास्ट में आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर गए, अब आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी आपको डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने, और आप कुछ नहीं कर पाए। अब ये पर्सन लौट कर आने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से लौटूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ, मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि खुद गए ना। तो अब इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा कि आया कैसे जाए वापस। ठीक है, क्योंकि प्यार तब भी था, अब भी है, लेकिन तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, तब उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मे बी उनकी कोई मजबूरी रही हो, फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, करियर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐवे ही यू नो नहीं रहना है, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से इस पर्सन ने प्यार होते हुए भी दूरी बनाई, एंड नाउ दे वॉन्ट टू रिटर्न बैक टू यू। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन या तो खुद को कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल, या ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो भी सकता है कि ऑलरेडी निकल चुके हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, एक बदलाव आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ख़त्म हुई है चीज़ें और उसकी एक फिर से शुरुआत होते हुए दिख रही है, एक ट्रांजिशन। ओके, तो अब आप देखोगे कि आपके पर्सन एक चेंज चाहेंगे इस कनेक्शन में, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन। ठीक है, अब वो जो ख़त्म हुआ है ना आपका रिश्ता, उसे वो रिन्यू करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं। तो उनका एक ही इंटेंशन है, मकसद है, वो है आपसे रियूनियन करना। अगले कुछ घंटों की बात की जाए तो ये पर्सन कुछ रास्ते ढूंढ सकते हैं जिससे कि सिचुएशन को ठीक किया जाए, क्योंकि अब उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो उनको पता है कि सब ठीक करना है, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे। प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए, क्या बोलना है उन्हें, क्या करना है। सो वो रास्ते ढूंढेंगे, क्या किसी के थ्रू वो आप तक पहुंच सकते हैं, क्या वो आपसे मिलकर किसी तरह आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मुझे लगता है आप इस पर्सन का इंट्यूशन, या कह लो एक इनका माइंड बड़ा ही ज़ोरों से काम करेगा अगले कुछ घंटे, और ये बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि कैसे क्या किया जाए। ये किसी की, इवन मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये किसी की हेल्प ले सकते हैं या किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं, और जिससे भी गाइडेंस मिलेगी ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होगा या काफ़ी वाइज पर्सनालिटी होगी। ठीक है, या तो आप में से कुछ लोग रीडिंग्स ले रहे हो या ले सकते हो अगले कुछ घंटों में किसी से, किसी टैरो रीडर से, क्योंकि टैरो रीडर हाई प्रिस्टस की एनर्जी एक साइकिक एनर्जी होती है। तो मे बी आप किसी से कोई गाइडेंस ले सकते हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ इस सिचुएशन में, या फिर आपके पार्टनर गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कोई कसर नहीं बाकी रहने देना चाहते। मुझे ये भी लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा भी दिखा सकते हैं आपको कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। ओके, जबकि वो सच में मूव ऑन नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है मूव ऑन होना। वो बस आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मैं ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि मैं चला जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना या मुझे नहीं रहना। ओके, बट ये उनका अटेंशन पाने की एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है ये पर्सन, मैं स्पेशली उन लोगों की बात करूँगी जिनके पार्टनर्स ने उन्हें खुद छोड़ा है। ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, या फिर एक इमोशनल कन्फेशन भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप इस पर्सन को इस तरह से रिएक्ट दिखाओगे या बोलोगे कि मैं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा अगर तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो तो, और मुझे ऑफ़र आ रही है कहीं और से, तो मैं वहाँ पे मैं उस बार उसके बारे में सोचूंगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरे लाइफ में कोई और है जो मुझे पसंद करता है, तुम अगर नहीं आ रहे हो तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे।
बट मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी इसलिए भी मुझे लग रही है, जहाँ पे आप अब या तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का नाटक करोगे या सच में मूव ऑन होने के बारे में सोचोगे, और तभी ही ये पर्सन आके कुछ ऑफर करेंगे आपको. ओके मुझे ऐसा भी लगता है आपके रिश्ते से ना बहुत लोग जलते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो जलते हैं इस रिश्ते से. बिल्कुल आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते. ये इनकी पार्टनर हो सकती है, एक्स पार्टनर, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है. सी द मून कार्ड, समवन इज यू नो चुप चुप के कोई तो है यहाँ पे जो आपसे जलता है. ओके जो पिक्चर में नहीं आ रहा है लेकिन जो जलता है बैकग्राउंड से, आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, इस रिश्ते को नेगेटिव एनर्जी देता है. बेहुदा किस्म का इंसान लग रहा है मुझे, क्योंकि छुपके वार करता है ये, सामने से वार नहीं करता है. ठीक है, इसके मन में बहुत से इल्यूजन्स भी है, या तो ये आपके पर्सन को भटकाता है, इन्फ्लुएंस करता है. और अगले कुछ घंटों में ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पे आप दोनों को या आपके रिश्ते को नेगेटिविटी देने की कोशिश करे. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ये जो ब्रेसलेट है मेरे पास ब्लैक टॉर्मलाइन, ये लीजिए इसका और इसका कॉम्बिनेशन पहनिए, रोज़ क्वार्ट्ज का और ब्लैक टॉर्मलाइन का, जिससे आपकी लव लाइफ अफेक्ट नहीं होगी. ये एक इन्वेस्टमेंट ही है आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी हटा देता है आपकी लाइफ से और प्रोटेक्ट करता है आपको. ठीक है, क्योंकि मुझे अगले घंटे में बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई आपके रिश्ते को बहुत नेगेटिविटी देने की कोशिश करेगा, जो जलते हैं आपसे, लिटरली आपके रिश्ते से आपसे जलते हैं. ठीक है, और ये पर्सन सामने से वार नहीं करता, ये चुप चुप के आपको नेगेटिविटी देता है. ठीक है, तो अपनी एनर्जी को, अभी आपके पास ये ब्रेसलेट नहीं है, आप मंगा लीजिए, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पास क्रिस्टल्स हो ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. लेकिन अगर आपके पास अभी क्रिस्टल नहीं है, तब तक आप क्या करिए कि आप सॉल्ट बादिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए, सेज अगरबत्ती जो होती है, मैंने कई बार लिंक भी दी है, आप वो लाया करें घर पे, बल्क में रखा करें और जला के रखा करें. ठीक है, और प्रे करिए यूनिवर्स से कि वो आपको और आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करे किसी भी नेगेटिविटी से. ठीक है, और ये मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जी लगती है, जहाँ पे ये बहुत इनसिक्योर होते हैं, इनको ऐसा हमेशा लगते रहता है आपको छुपाते हो, आपको झूठ बोलते हो, बट मे बी असलियत में ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, एंड आपके पर्सन ना मुझे लगता है कि एक क्रॉस रोड पे दिखाई दे रहे हैं मुझे अगले कुछ घंटे, कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं. मे बी उनके पास चॉइसेस है, या दो रास्ते हैं जिनसे वो एक रास्ता चुनना चाहेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. मुझे लगता है ये पर्सन बस एक ही चीज़ इनके दिमाग में चलेगी कि कैसे मैं रिश्ते को ठीक करूं, ये रिश्ता अब हम दोनों का है, मैं कैसे उसके मन में इंटरेस्ट जगाऊं, या मैं कैसे उसके साथ काम करूं इस रिश्ते पे. ठीक है, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे. सिर्फ वो एक अभी फ़िलहाल तो एक दोहराए पे है, एक ऐसे जगह पे जहां से अब उन्हें डिसीजन लेना है आपको लेकर. ठीक है, सो या अभी आपके लिए देखते हैं एडवाइस, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या ध्यान रखना है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, तो इतने कार्ड्स नहीं लूँगी. शफल भी नहीं किया था मैंने अच्छे से, उससे पहले ही कार्ड्स जंप आउट हुए. ओके, तो आपके लिए जो पहला एडवाइस या मैसेज है वो है फोकस. तो देखिए, मुझे लगता है कि या तो आपका इस रिश्ते से फोकस हटते जा रहा है, आपके मन में कुछ गलत सोच विचार आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होने देना है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 24 घंटे इस पर्सन के बारे में सोचिए या रिश्ते के बारे में सोचिए, ये करना भी गलत है. बस आप मन में अपना इंटेंशन सेट कर लीजिए कि सब कुछ ठीक होगा. ठीक है, आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो, आप गलत सोचने लगे, आप नेगेटिविटी देने लगे रिश्ते को, तो वो नहीं होने देना है आपको. अगर देखिए, अगर थर्ड पार्टी नहीं है ना आप दोनों के रिश्ते में, तो सोच सोच के ना क्या होगा, सच में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी. तो इससे बेटर है कि आप फोकस करिए सही चीज़ों पे, गलत चीज़ों पे आपका फोकस जा सकता है. ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, अच्छा क्या सोच सकते हैं वो देखिए. फॉरगिवनेस है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड. तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपको ना दिल से माफ़ कर देना है. आपने वो सुना होगा, मैंने कई बार भी बोला है वीडियो में, और किसी को माफ़ कर देने से, दिल से माफ़ कर देने से, चाहे उन्होंने कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, वो उनका कर्मा है, लेकिन आप जब माफ़ कर देते हो ना, तब एक एनर्जी ब्लॉकेज जो क्रिएट हुआ है ना आपके रिश्ते में, वो ख़त्म हो जाता है, वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है, और फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी की जगह नहीं बचती, और सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है.
ठीक है, तो इस पर्सन को माफ़ कर दो। आप लिखो कमेंट्स में, अगर आपके मन में इस पर्सन को लेकर कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, कमेंट्स में अभी लिखो कि आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव वॉट एवर दे हैव डन टू मी, आई हैव नो रिसेंटमेंट, मेरे अंदर कोई भी गुस्सा नहीं है इस इंसान, जो भी आपके मन में आता है लिखिए, ठीक है, माफ़ कर दीजिए। मिराकल्स, तो देखिए मैंने खुद भी अपने क्लाइंट्स के लाइफ में भी होते हुए देखा है कि जो चीज़ें नहीं होने वाली है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, फेथ रखते हो, होप्स रखते हो, अपने मन को साफ रखते हो ना, तो मिराकल्स होते हैं। मिराकल्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमने सोची भी ना हो और अचानक से ही हो जाना, जिससे हमें बहुत खुशी मिले। तो आपको भी अगर ऐसे मिराकल्स अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने हैं, तो पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल भी अपने मन में कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन अगले कुछ घंटे क्या कहना चाहेंगे आपसे या क्या कह सकते हैं। ओके, तो पहला मैसेज यहाँ पे है, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट। तो जब से मैं तुमसे मिला हूँ, किसी और के बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं समझा, या कोई उस लायक ही नहीं है कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। यू आर ब्यूटिफुल, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो मैं हम दोनों के बीच में सब कुछ सही कर दूंगा एक दिन। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, तो मैं तुम्हारे रिजेक्शन से डरता हूँ कि तुम कहीं रिजेक्ट ना कर दो मेरे प्यार को। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, तो मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए चीज़ों को सुलझाने के लिए या उसमें से राह निकालने के लिए। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, ये अपने आप को गलत मानते हैं, उनकी गलती थी। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, तो आपका कनेक्शन अभी भी उन्हें अफेक्ट करता है, अभी भी वो इस रिश्ते को लेकर इमोशनल है। नेक्स्ट इज़ आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडेंट डिजर्व इट। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया, तुम सच में वो डिज़र्व नहीं करती थी। एंड लास्ट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, तो अभी भी मैं खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ या खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट वॉज इट, कैसे लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू।